हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ये आज 2 तारीख है, जो कि 1 तारीख को मैं व्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि 1 तारीख को हम लोग के घर से निकलने नहीं दिया जाता है। और कल मस्त पूजा पाठ हुआ और देख सकते हैं आप सब, अभी तक हमारे तिलक अभी तक माथे पर लगा हुआ है। आज हम लोग हेलमेट माउंट का अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि इस माउंट को कैसे हेलमेट में लगाया जाता है और किस तरह से मोटो ब्लॉग किया जाता है। तो जो लोग मोटो ब्लॉग करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है ये वीडियो, पूरा ज़रूर देखना। और पूरा प्रोसेस देखने के बाद आप लोगों को समझ में आएगा कि मोटो ब्लॉग किस तरह से किया जाता है, एंड थोड़ा सा मैं भी आप लोगों को मोटो ब्लॉग करके दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हेलमेट माउंट को करते हैं अनबॉक्स। गाइस, आपको मोटो ब्लॉग करने के लिए 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगी। पहला, एक फ़ोन जो कि मेरे पास है, पर मैं इस फ़ोन से नहीं करने वाला हूँ मोटो ब्लॉग, जो कि मैं आईफोन से करूँगा, जो आप सब देखेंगे। एंड गाइस, ये है जो माउंट जो मैंने मंगाया है, जो कि मैं यहाँ अभी हेलमेट पे इसको लगाने वाला हूँ। और यहाँ पर मैंने एक माइक मंगाया है जो कि आप लोग देख सकते हैं, ये माइक वायरलेस है और कोई भी फ़ोन में डायरेक्ट एकदम रियल कैमरा से आपका इसे रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये मेरा अभी बाइक का सीट है, तो अभी मेरे साथ कोई है नहीं जो मेरा कैमरा पकड़ेगा। तो आप लोगों को अगर माइक चाहिए होगा तो ये वाला माइक ज़रूर ऑर्डर कर लेना, कि K8 जो कि वायरलेस माइक है और काफ़ी अच्छा माइक है। ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हेलमेट के अंदर फिट करना है और इसका अमाउंट को भी अभी फिट करके मैं आप सबको दिखाता हूँ। तो गाइज, अभी आप सब देख सकते हैं कि सुबह का 7:36 हो रहा है और ये अभी सुबह है और आप सब मौसम देख सकते हैं कि चारों तरफ कितना धूल धूल है। और इतना सुबह में मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो एक लाइक ज़रूर कर देना और जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए इसको, इस माउंट को अब इसमें फिट करेंगे। और आईफोन से अभी मैं शूट कर रहा हूँ, तो आईफोन को मैं इसमें लगाने वाला हूँ। और यहाँ पर मेरा ये माइक है, तो इसको भी अभी हम लोग फिट करेंगे। तो गाइस, चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और सवाल जवाल चीज़ को हटाते हैं और ज़्यादा लफड़ा मैं नहीं करूँगा, आप सबको बताऊँगा डायरेक्ट कि किस तरह से इसको फिट करना है। और मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि इसको किस तरह से फिट करना है। तो बस इसको यहाँ पे ऐसे लगा के बांध देना है और इसको इसमें फंसा देना है, फिर इसमें मोबाइल लगा देंगे। फिर मैं आप सबको पूरा प्रोसेस करने के बाद दिखाता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास कोई पकड़ने वाला फ़ोन है नहीं। तो चलिए दिखाते हैं। गाइस, देख सकते हैं मैंने माउंट को इसमें फिट कर दिया है और इस बात का ध्यान रखें कि ये काफ़ी मजबूती से इस पर काफ़ी टाइट बांधना पड़ेगा। और जो मैंने ये माउंट आपको मंगवाया है, मैं इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसका प्राइस बेहद कम है। एंड गाइस, अभी देखिए ये माइक है हमारे पास, जो कि ये मेरा फ़ोन में लगेगा और इसके अंदर भी मैंने माइक फिट कर दिया है और आप सबको देख सकते हैं, देखिए वहाँ पर मैंने माइक फिट कर दिया है जो कि मैं लगाऊँगा। और ये बिल्कुल वायरलेस माइक है, ये किसी भी फ़ोन में आपका डायरेक्ट काम करेगा रियल कैमरा से। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन होगा, बहुत लोग का ये शिकायत होता है कि रियल कैमरा से इंटरनल साउंड रिकॉर्ड नहीं होता है। तो आपको ये माइक आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, तो आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। एंड यहाँ पर मेरा माउंट फिट हो गया है और मैं अब इस फ़ोन से आपको ब्लॉग शूट करूँगा और इसको जो मेरा आईफोन है इसको अभी मैं यहाँ माउंट में लगाने वाला हूँ। तो चलिए आपको मोटो ब्लॉग करके दिखाते हैं। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट कर देना। सो गाइज, आप लोग देख सकते हैं कि मेरा सेटअप कम्प्लीट हो चुका है। सो थोड़ा बहुत आप चला के देखते हैं और देख सकते हैं कुछ लुक कैसा है, देखते हैं, थोड़ा बहुत रिस्क ले लेते हैं और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको बार बार कोशिश करना पड़ेगा शुरुआत में, क्योंकि अभी कोई आइडिया नहीं है आपके पास कि किस तरह से वीडियो को सामने का एंगल रखा जाए और किस तरह से आपको माइक को जो सेट करना है वो आपको काफी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा बार बार। सो गाइस, देख सकते हैं जैसा कि सामने का व्यू आप जब देख सकते हैं, माउंट में मोबाइल फिट हो गया है और माउंट को मैंने हेलमेट में फिट कर लिया है, तो और माइक भी फिट हो चुका है, तो सब कुछ रेडी है। अब हम लोग देख सकते हैं सामने का व्यू, जो कि काफी ज्यादा आप लोगों को गोप्रो वाला लुक आ रहा होगा। तो चलिए अब थोड़ा सा चला के देखते हैं और फिर उसके बाद
बताएंगे कैसा था। तो माइक जस्ट मुंह के सामने है तो मुझे काफी धीरे धीरे बोलना पड़ रहा है कि कहीं साउंड फटने ना लगे, इस वजह से सो आपको इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा कि कम से कम बोलें। अगर आपके पास एक वायरलेस माइक है तो आपको काफ़ी धीरे बोलना पड़ेगा, जो कि इसका जो माइक है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, इस वजह से धीरे बोलना पड़ रहा है गाइस। तो चलिए थोड़ा सा स्पीड करते हैं और देखते हैं कि कैसा आ रहा है गाइस। मैंने गाइस 4-5 बार 6 बार इसको माइक को फिट किया है इसमें ताकि ये हिले नहीं और इसमें आवाज काफी अच्छा है, और इस वजह से माइक को बार बार मुझे सेट करना पड़ता है इसमें, और माइक मेरा काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो पर कोई नहीं, मोटे लोग कर रहे हैं तो आप लोग कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। किस तरह से मुझे पूरा जा रहा है आप सब, तो कुछ इस तरह से भी है। सो गाइस, जैसा कि आप सब लोगों ने देखा भी सामने का व्यू, और ये रहा बाइक, और बाइक को कर दिया मैंने बंद, तो देख सकते हैं सामने से कुछ ऐसा व्यू आ रहा है। सो देख सकते हैं गाइस सामने से बाइक, और वीडियो कैसा लगा गाइस आप लोग बताना, और माइक का क्वालिटी कैसा है आप लोग बताना। सो अगर जिस किसी को भी माइक चाहिए होगा या फिर ये माउंट चाहिए होगा तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक चेक कर सकते हैं, और आप लोग भी बाय कर सकते हैं। अगर आप लोग शुरुआत में मोटो ब्लॉग करना चाहते हैं, जो सस्ता वाला मोटो ब्लॉग करना चाहते हैं, तो इस माउंट को आप लोग खरीद सकते हैं और इस माइक को भी खरीद सकते हैं। यह माइक आपको लगभग 1000 के नीचे आ जाएगा, जो कि फ्लिपकार्ट के पे आपको आसानी से मिल जाएगा, तो आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। अगर आप लोग शुरुआत में मोटो ब्लॉग करना चाहते हैं तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट होगा। और कुछ ऐसा रिव्यू है इसका आज का, तो आप लोग बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और आज 2 जनवरी है, तो एक बार फिर से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, और इस साल आपका जितने भी विशेष है सभी विशेष पूरे हो, भगवान से मैं यही आप लोगों के लिए शुभकामनाएं करता हूँ। और एक और कोशिश आप लोग भी कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। मिलेंगे आप सबसे जल्द ही एक नए ब्लॉग में, जिसमें मैं आप सबको दिखाऊंगा इस माउंट का यूज़ कहीं लॉन्ग ट्रिप पे जाके, और थोड़ा अच्छे से ब्लॉग बना के इसका मैं आप लोगों को बहुत जल्द रिव्यू दूंगा। तो आप लोग कमेंट कर देना कि कैसा लगा आप लोगों को ये माइक और ये माउंट और ये ब्लॉग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।